फ्रेंड्स, मैं सलन शर्मा और आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ अपलैंड के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉट एक्स के फॉर्मूले के बारे में। कॉट एक्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे लगाएंगे, क्या क्या सवाल आ सकते हैं, वो सारे तरीके इस वीडियो में देखने मिलेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो को कैसे अप करना है। तो हम लोग फॉर्मूला डिस्कस क्या करने वाले हैं कॉट एक्स के बारे में। तो क्या लिखा है मैंने कॉट एक्स एक क्वेश्चन के फॉर्म पर मैंने दे दिया, लिख दिया कॉट एक्स। अपने करना है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी अपॉन डी एक्स लिखा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का कॉस एक स्क्वायर एक्स। जी हाँ, क्या होता है माइनस का कॉस एक स्क्वायर एक्स होता है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दें आपको, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कन्फ्यूजन जो होती है वो मैं एक एक बार में दूर कर देता हूँ कि जितने आप डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूले अप्लाई करते हो, अगर किसी के आगे सी आ रहा है यानी कॉट कॉस एक और कॉस, अगर उन पर हमेशा माइनस का यूज किया जाता है, आपको माइनस से कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको दूर हो गई होगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, आप कॉट एक्स का अवकलन करो, तो आप सोचना पड़ जाओगे भाई इसका फॉर्मूला कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम डी अपॉन डी एक्स करेंगे हम, किसका कॉट एक्स का क्या करेंगे। लेकिन हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हमसे कहा गया इसको सॉल्व करो, ना कि सीधे आंसर लिख दो, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी बहुत हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कॉट एक्स का किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन के होता है, तो पता ही होगा कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डिवाइड वाला मेथड, डिवाइड वाला रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे अपलन किया जाए डिवाइड वाला, वो यहाँ पे करेंगे। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बनाया है कॉट एक्स के बारे में यानी कि डिवाइड वाले के बारे में। तो डिवाइड वाले हम क्या करते हैं, जो डिनोमीटर होता है उसके पहले हम ऊपर रखते हैं, फिर डी अपॉन डी एक्स करते हैं और नोमीटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर कॉस एक्स करते हैं, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, इनकी जो पोजीशन है वो आपस में बदल देते हैं। तो यहाँ कॉस एक्स आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स करेंगे और यहाँ क्या मिलेगा हमें, साइन एक्स मिल जाएगा। अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, जो अपॉन वैल्यू दी गई है साइन एक्स, डिनोमीटर में जो वैल्यूज होती है इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दिया जाता है। ये इसका मैथड है डिवाइड वाले का करने का। अब यहाँ पर क्या करना है, साइन एक्स को साइन एक्स रखेंगे हम लोग, ऐसे ही क्वेश्चन में नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स से क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो पता ही होगा। लेकिन अब अगर यहाँ पर कोई याद नहीं है कि माइनस में प्लस में, तो मैंने बताया कि सी लिखा है तो क्या होगा, माइनस। अब बेचो माइनस लगा दीजिए, फिर कॉस एक्स लिखा, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यहाँ पर कॉस एक्स लिख दिया। अपॉन में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है कॉमन, तो कॉमन कितना आ रहा है, माइनस की वैल्यूज कॉमन आ रही है, तो क्या बनेगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो यहाँ वन आ जाएगा। अपॉन में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, इस साइन को अगर हम ऊपर ले जाएंगे यानी साइन किसका उल्टा होता है, वो रेसिप्रोकल होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का, तो क्या लिखेंगे इसे, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए ये बन गया फॉर्मूला, इस तरीके से कर सकते हैं, प्रूफ भी हो गया है डिफरेंशिएशन के मेथड से कि इसको कैसे बनाया जाता है। अगर आपको लर्न नहीं है तो वैसे लर्न भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं दूसरे तीसरे एग्जाम्पल की कैसे और तरीके से पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू यानी सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको मैं हेल्प करके बताने की कोशिश करता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कॉट सेवन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए यानी इसका अवकलन कीजिए। तो आप सोचोगे कैसे करेंगे, बिकॉज आपने जो फॉर्मूला बताया तो केवल कॉट एक्स का बताया है कि भाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपने सेवन एक्स स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए ध्यान से कि कॉट हमें दिया गया है सेवन एक्स स्क्वायर, बट क्वेश्चन तो जो था वो फॉर्मूला जो था वो केवल कॉट एक्स का था। तो ये बात याद रखिएगा कि जो फॉर्मूला दिया जाता है या जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो जो भी डिफरेंट दिखाई देता है उसको हम वैल्यूज को लेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है केवल कॉट, और यहाँ पर कॉट तो सेम था बट यहाँ पर केवल एक्स दिया गया था, बट यहाँ पर सेवन एक्स स्क्वायर दिया गया, आपको फंक्शन थोड़ा चेंज कर दिया गया। जब इस कंडीशन को बन जाती है तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं लेट करके, तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट किसको किया, लेट सेवन एक्स स्क्वायर बराबर टी, यानी जो भी वैल्यू डिफरेंट दिखाई देगी उसी को हम लेट कर लेंगे। कॉट तो सेम था बट इसके बाद वाला डिफरेंट था, कौन था डिफरेंट, सेवन एक्स स्क्वायर, इसको हमने टी लेट कर लिया। तो हम लोग टी लेट करेंगे तो कॉट के बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर सेवन एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने टी लेट कर लिया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको टी लिख लेते हैं।
अब लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी अपॉन जो डी एक्स लिखते थे वो डी एक्स नहीं लिखेंगे, टी है तो हम टी के फॉर्म पे ही लिखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स करते हैं और टी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं। टी किसको लेट किया था, सेवन एक्स स्क्वायर को, वो यहाँ रख देंगे सेवन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट टी का फॉर्मूला जस्ट लाइक कॉट एक्स की तरह बनेगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर टी आ जाएगा। देन सेवन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक वैल्यू जो हमें कॉन्स्टेंट दिखाई दे रही है कितनी है, सेवन, सेवन को हम लोग बाहर कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया है माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी, वो तो ऐसे रख दिया। अब यहाँ पर सेवन था, सेवन को भी हमने ऐसे रखा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स, ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी तो बन जाएगा टू एक्स बन जाएगा। अब इसको सिक्वेंस रख दें तो क्या बन जाएगा, सेवन टू या फोर्टीन, तो माइनस का फोर्टीन एक्स कॉसेक स्क्वायर और टी की वैल्यू कितनी है सेवन एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह क्या रखें हम लोग, सेवन एक्स स्क्वायर रखेंगे, ये आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं और देखते हैं कैसे किए जाते हैं। एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल की बात करें तो क्वेश्चन मैंने कुछ लिखा, फाइव एक्स माइनस थ्री प्लस कॉट थ्री कॉट टू एक्स लिख दिया। थोड़ा क्वेश्चन टाइप बता रहे हैं ताकि तो आपको जो कन्फ्यूजन हो आगे, तो उसको हम अभी से सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस बार कॉट एक्स अकेले नहीं, उसके साथ इनटू में थ्री है और प्लस में फाइव एक्स क्यूब माइनस क्यूब दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे पहले, तो इसका 5x माइनस क्यू प्लस थ्री कॉट 2x, इस मेथड से करोगे तो अब कोई भी गलती नहीं होगी, सारे स्टेप करोगे तो सवाल पूरा सही होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही अलग पार्ट दिखाई दे रहा है, एक ही अलग पार्ट दिखाई दे रहा है, दोनों पार्ट को पहले अलग अलग कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स रखा 5x माइनस प्लस डी अपॉन डी एक्स थ्री कॉट 2x ऐसे रख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो 5 को हम लोग बाहर रखेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे, फिर एक्स पावर माइनस तीन करेंगे, यहाँ पे बाहर कौन है तीन, तो डी अपॉन डी एक्स रखा और कॉट कितना हो गया 2x हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, माइनस थ्री कहाँ लेके आएंगे, आगे तीन बचे 15, तो माइनस का एक्स हो जाएगा कि पावर उसमें आगे आती है। इसके बाद क्या करते हैं, जो पावर दी जाती है उस पावर से हमेशा एक को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉट टू एक्स दिया गया है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉट एक्स का होता है। तो भाई फॉर्मूला डिफरेंट दिखाया था, मैंने भी जस्ट एग्जाम्पल आपको बताया भी था कि कैसे करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, और हम लेट क्या करते हैं, मान लीजिए पी लेट कर लिया, तो डी अपॉन डी पी लिखा और हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पी एक्स टू एक्स लेकर रखेंगे, पी रखेंगे, और इसके बाद जो जिसको पी लेट करते हैं उसकी वैल्यू को रख देते हैं। पी किसको लेट किया हमने, टू एक्स को, तो यहाँ क्या रखेंगे, 2x रख दिया। याद रखना जो भी लेट किया जाएगा उस वैल्यू को उसे जस्ट बगल में रखना होता है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो क्या मिल रहा है, माइनस का 15x पावर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस वन माइनस फोर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन है, तीन तो ऐसे रहेगा। कॉट p का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर p हो जाएगा, और 2x के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है। तो माइनस 15x पावर माइनस 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 दुनी 6 यहाँ 6 आ गया, और कॉसेक स्क्वायर p लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुटअप करेंगे, कौन सी वैल्यूज को, जो हमने p लेट किया था, p किसको लेट किया था हमने, यहाँ पर p लेट किया था किसको, यहाँ पर लेट किया था 2x को लेट किया था, लिखा नहीं मैंने, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लेट 2x इक्वल टू p, ठीक है। तो 2x को हमने p लेट किया, तो p क्या रखने वाले हैं, 2x रखने वाले हैं, तो ये आंसर हो गया। या फिर और कुछ करना है तो यहाँ कॉमन भी आ रहा है, कितना माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे, 3 बचे 15 हो जाएगा, x पावर माइनस 4 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 का भाग 6 कितना आएगा 2 कॉसेक स्क्वायर 2x, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप में पूछे जा सकते हैं, इस टाइप क्वेश्चन आप में बने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी। ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे ताकि आप चीज़ को समझ सको, ये श्योर नहीं कि आप इन सवालों लगाने से पूरा पूरा लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ी प्रैक्टिस अपने आप भी करनी पड़ेगी और आपको ढेर सारे सवाल लगाने पड़ेंगे बुक से। अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेचक कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।